भगवान समझते कि मेरे और आपके बीच रोहन ऐसे कैसे सो सकता है? वो मेरा छोटा भाई है और तुम उसकी वाइफ हो। वो मेरे बारे में जो चाहे सो सकता है, लेकिन 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 उसने उसने तुम पर घटिया इल्जाम लगाया। उसकी सोच इतनी नीची कैसे हो सकती है? इतना घटिया कैसे सो सकता है वो? मैं नहीं मान सकता। नहीं सर, वो ऐसा नहीं है। ये जरूर किसी और की साजिश है। कोई है जो जो मौके का फायदा उठा रहा है। कोई है जो नहीं चाहता कि तुम दोनों एक साथ रहो, इसलिए जानबूझकर वो एक शक की दीवार खड़ी कर रहा है जिससे तुम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओ। मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं उसके लिए। सोचो सिमरन, सोचो कि कौन हो सकता है वो। सोचो। कोई है जो मेरी और रुहान की शादी तोड़ना चाहता है, जिस पर रुहान को मुझसे ज्यादा भरोसा है। कौन है वो? संध्या चाची। अकेलापन इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है। वो कभी धोखा नहीं देता, जिंदगी भर साथ निभाता है। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है। इन हालात में मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाता है। जब अपने धोखा देते हैं ना, तो अपनों पर से ही विश्वास उठ जाता है। एक इंसान के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? किसकी अपनी पत्नी उसे धोखा दे, उसे अंधेरे में रखे, उस पर विश्वास न करे, जबकि वो खुद विश्वास के काबिल ना हो। मैं समझ सकती हूँ किस वक्त तुम्हारे दिल में कैसा तूफान उमड़ रहा होगा। तुम अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हो और कोई समझेगा नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने फायदे के लिए वो इतने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, वो भी उन लोगों की जिन्हें उन्होंने अपनी गोद में खिलाया, जिन्होंने उन्हें अपनी माँ समझा। इतना बड़ा षड्यंत्र। सिमरन, अगर रिश्ते ऐसे होते हैं तो मुझे रिश्ते नहीं चाहिए। मैं अकेले रह लूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि संध्या चाची इस हद तक गिर सकती है। लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संध्या चाची ने रुहान पर ऐसा जादू किया है कि उन्हें सिर्फ उन्हीं की बात सच लगती है, और इसी बात का फायदा संध्या चाची उठा रही है। लेकिन अब नहीं उठा पाएंगी। हाँ सिमरन, अब उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। सिमरन, पूरे घर के सामने मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा। अब बस सिमरन को अपने सीधेपन का फायदा मत उठाने दो। सिमरन के प्यार की पट्टी अपनी आंखों से उतार दो। जब तक सिमरन के चाचू जिंदा थे, सिमरन हमेशा कहती थी, मेरे चाचू ऐसे हैं, मेरे चाचू वैसे हैं,
चाचू ही मेरी जिंदगी है, चाचू ही मेरे सब कुछ है, और चाचू के मरते ही अचानक पलटी मार दी, अपने चाचू के हत्यारे के साथ जा मिली। सारी दुनिया, कानून, हम सब घर वाले, सबने अभिषेक को मुजरिम मान लिया, लेकिन सिमरन ने नहीं माना, या फिर शायद जानबूझकर मानना नहीं चाहती, क्योंकि उन दोनों के संबंध जो इतने गहरे हो गए हैं। सिर्फ मेरी ही नजरें नहीं दुहान, दुनिया की नजरें देख रही हैं। उन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है समझ रही है। तुम क्यों नहीं देखना चाहते हो, समझना चाहते हो? सिमरन का स्टैंड तो समझ में आता है, क्योंकि प्यार अंधा होता है, इसीलिए अपने चाचू के कातिल से जा मिली। लेकिन तुम्हारा स्टैंड, तुम्हारा क्या स्टैंड है? क्यों तुम चुप हो? कब तक अपनी बर्बादी का आलम खामोशी से देखते रहोगे बेटा? सवाल करो सिमरन से, जवाब मांगो, हर बेवा भाई का हिसाब मांगो। अगर वो नजरें मिलाकर तुम्हें जवाब देना तो वो सही है, और अगर नजरें चुरा लेना तो तुम खुद समझदार हो रूहान। आप सही कह रही हैं चाची, मेरी खामोशी कुछ ज्यादा लंबी हो गई, मेरे प्यार ने मेरे नजरों के सामने धुन जमा कर दी है, लेकिन अब ये कोहरा धीरे धीरे छटता जा रहा है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे, दिखाई दे रही है मुझे सिमरन की बेवफाई, दिखाई दे रहा है सिमरन और भैया का रिश्ता, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज तक सिमरन मुझसे सवाल करती रही और मैं जवाब देता रहा, लेकिन अब मैं सवाल करूंगा और सिमरन जवाब देगी, वो हिसाब देगी हर उस पल का जो मैंने अकेले बिताए हैं, उसके होने के बावजूद, जिस रिश्ते को बचाने के लिए मैं आज तक चुप रहा, अब उस रिश्ते को पाने के लिए मैं सवाल पूछूंगा। मगर कैसे? सिमरन, इसके लिए तुम्हें रोहान को नजरअंदाज करना होगा, ऐसे बिहेव करना होगा जैसे तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। रोहान वैसे ही मुझसे नाराज है, अगर मैंने ऐसे कुछ किया तो वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो, तुम मेरी बात अच्छी तरह सुनो तो सही। देखो, तुमने कोई गलती नहीं की, ऐसा कुछ नहीं किया है कि तुम्हें अपनी नजरें नीची करनी पड़े, इसलिए तुम अपनी नजरें नीची नहीं करोगी। अब उसे अपने वजूद का एहसास कराओगी तुम। अगर वो तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है तो तुम भी उसकी बात नहीं सुनोगे। लेकिन कुछ नहीं। देखो सिमरन, एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई चीज हमारे पास होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस का हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो चीज हमसे दूर चली जाती है तब हमें उसकी वैल्यू का एहसास होता है। अब तुम रूहान को अपनी वैल्यू का, अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास दिलाओ, घर जाओ और ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखना, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, किसी भी हाल में नजरें नीची नहीं होनी चाहिए। अब जो गलत है उनकी नजरें नीचे होंगी। थैंक्स। थैंक्स कहने की क्या जरूरत है सिमरन, वैसे भी ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से ही हुई है। अगर मैं घर छोड़कर बाहर नहीं आता और तुम मेरी इस तरह से मदद नहीं करती तो शायद संध्या चाची को ये सब करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा सामान उस घर में तुम्हें वापस मिले। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने आपका साथ दिया, लेकिन अब तुम रोहान के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान दो, और अब मैं उस कातिल को ढूंढूंगा जिसने मुझे फंसाया है।
सिमरन, अब चाची की तबीयत कैसी है? क्या हुआ, क्या था उन्हें? वो ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, घबरा गई थी इसीलिए मुझे बुला लिया। अब तो ठीक है ना वो? दवाई दी है मैंने, अब नॉर्मल है। बेचारी चाची, आजकल उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। नहीं पर जाए जी, हमें उनको फोन करके ना हालचाल पूछ लेना चाहिए। अब इतना करीबी रिश्ता है, नहीं तो सोचेंगे कि राजवीर जी के जाने के बाद हम उन्हें बिल्कुल भूल गए। वो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। मम्मी जी, वो बहुत मुश्किल से सोई है, आप अगर कल फोन करें तो अच्छा होगा। ठीक है बेटा। तुम्हें रूहान को नजरअंदाज करना होगा, ऐसे बिहेव करना होगा जैसे तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नजर बदल गई है सिमरन, तुम्हारा प्यार बदल गया है। पहले मैं तुम्हारी जिंदगी था और अब अभिषेक भैया को तुमने अपनी जिंदगी मान लिया। क्यों सिमरन, ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया? आज तक तुम मुझसे सवाल करती रही और मैं जवाब देता रहा, क्योंकि मैं हम दोनों के रिश्ते को बचाना चाहता था। लेकिन अब मैं समझ गया हूं सिमरन, कि एक तरफ से की गई कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होती। रिश्ता जोड़ने में तुमने मेरा साथ नहीं दिया सिमरन, बट आई प्रॉमिस कि ये रिश्ता तोड़ने में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। कदम 7 जन्म के रिश्ते को तोड़ सकता है और एक सही कदम टूटे रिश्ते में जिंदगी डाल सकता है। अभिषेक भैया की एडवाइस पर मैंने जो कदम उठाया है सिर्फ अपने टूटे रिश्ते को फिर से विश्वास के उस अटूट बंधन में बांधने के लिए, आपको हमेशा अपना बनाने के लिए, आपके उस विश्वास को हासिल करने के लिए जो मुझ पर से उठ चुका है। अभिषेक भैया और मेरे रिश्ते को आपकी नजर में पाक साफ साबित करने के लिए, अगर इस कठिन सफर में मुझे आपकी नफरत का सामना करना पड़ा तो मैं करूंगी। मेरे इस कदम से आपको तकलीफ पहुंचे तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा।
आए हो यहाँ पे? कहाँ हो? कौन? आपका पति और कौन? मुझे नहीं पता है वो कहाँ है। झूठ बोल रहे हैं आप। एक बार कहा ना, नहीं पता तो नहीं पता, लेकिन तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज अपने घर वालों के सामने उसने मुझे गुनहगार बना दिया। अरे चंद पैसों के लिए अपने ईमान को भेज दे। मैं नहीं मानती, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठा मैं नहीं, झूठा तुम्हारा पति। अगर आप सच जानना चाहती हो तो मैं आपको सच बताता हूँ। ये लीजिए। ये लीजिए उनका पता। गणपति बाबा, आज तक आपकी स्थापना इस घर के बेटे अभिषेक ने की है और आज वो नहीं है। मेरा दिल बैठा जा रहा है भगवान, और मुझे पता है कि आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस घर की परंपरा इस तरह तोड़ी जाए। हे विघ्नहर्ता, मेरे दिल से निकली हुई दुआ पूरी कर लो। मेरे अभिषेक को आज लौटा दो भगवान। अगर आज आपकी स्थापना में वो नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। करिश्मा दिखा दो भगवान, करिश्मा दिखा दो। शादी के बाद पहली बार हमारे घर में गणपति बप्पा आए हैं, और कितने दुख की बात है कि हम दोनों पति पत्नी एक साथ उनका आशीर्वाद भी नहीं ले सकते। हे पालनहार, हे विघ्नहर्ता, आज मेरे आंसुओं की लाज रख ली। आज इस घर पे अपना आशीर्वाद दे दे। मेरी जिंदगी में आए हुए तूफान को दूर कर दे। सब कुछ पहले जैसा कर दे। पापा, सब कुछ मुझे मेरा रूहान लौटा दे।